हमारी आज की कहानी है भैया मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मेरी लिखी कहानियाँ रोज सुनने के लिए हमारे चैनल हिंदी कहानियाँ स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। आज तो विजय की जान ही अटक गई। वो सोचने लगा कि अब क्या होगा, अगर रेखा ने सबको सब कुछ सच बता दिया तो मुझ पर बहुत भारी पड़ जाएगा। सबको लगेगा कि मैं ऐसी हरकतें करता हूँ, ना जाने मम्मी पापा मेरा क्या हाल करेंगे। ये सब सोचकर ही वो रेखा यानी अपनी छोटी बहन से मिन्नतें करने लगा कि रेखा मुझसे गलती हो गई है, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा, बस इस बार मुझे बचा ले, किसी को कुछ भी मत बताना। तू बस ये सोच कि तूने कुछ देखा ही नहीं, तू सब कुछ भूल गई। ऐसे कैसे नहीं देखा, मैंने आपकी हरकत देख ली है, रेखा ने गंभीर स्वर में कहा। उसका मूड भी बहुत खराब लग रहा था, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका भाई ऐसी हरकत करेगा। विजय और रेखा के माता पिता बहुत स्ट्रिक्ट थे। वो हमेशा ही अपने बच्चों को सही गलत समझाते रहते थे, और यदि उनसे कोई गलती हो भी जाती तो उन्हें सजा मिलती थी। इसलिए विजय को पता था कि अगर मम्मी पापा को उसकी इस गलती के बारे में पता चल गया तो न जाने उसे क्या सजा मिलेगी। वो तो सोच कर ही कांप उठा। दरअसल हुआ यूं कि विजय जो कि 20 साल का था, वो अपनी एक फ्रेंड को लेकर घर आ गया, क्योंकि उसके मम्मी पापा 2 दिन के लिए बाहर गए थे। उनके होते हुए तो वो ना घर में किसी को ला सकता था और ना ही खुद कहीं बाहर जा सकता था। माँ बाप ने अपने बच्चों पर बहुत बंदिशें कर रखी थी, इसलिए उनके ना होने पर वो खुलकर सांस लेना चाहते थे। लेकिन विजय ये भूल गया कि मम्मी पापा नहीं है पर रेखा तो है, और अब उसने विजय और उसकी फ्रेंड को साथ देख लिया था, इसलिए अब वो सबको सब कुछ सच बता देगी। वैसे तो विजय ने बहुत होशियारी रखी थी, और जब रेखा घर से बाहर गई थी तभी वो अपनी सहेली को घर लाया, लेकिन रेखा घर जल्दी आ गई और उसने दोनों को साथ देख लिया। दोनों कुछ गलत हरकत नहीं कर रहे थे, बल्कि साथ बैठकर हंसी मजाक और बातें कर रहे थे और कुछ खा रहे थे। लेकिन फिर भी रेखा को ये देखकर अच्छा नहीं लगा और वो गुस्सा हो गई। वो तो ऐसे जताने लगी जैसे विजय ने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो, लेकिन सच तो ये था कि रेखा खुद भी इतनी बंदिशें झेल रही थी कि उसे पता था कि अगर मम्मी पापा नहीं है तो दोनों भाई बहन का थोड़ा एंजॉय करना तो बनता ही है। वो तो बस विजय को डरा रही थी और नाटक कर रही थी। विजय मिन्नतें कर रहा था कि प्लीज़ रेखा किसी को मत बताना, अगर तूने मम्मी पापा को बताया तो वो मुझे मार डालेंगे। विजय अपनी सहेली को भी कहने लगा कि आई एम सॉरी, लेकिन अब तुम्हें जाना होगा। तभी रेखा ने उसकी सहेली को रोका और तेज तेज हंसने लगी। भैया मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी, आप टेंशन मत लो, आप चाहो तो आपके बाकी फ्रेंड्स को भी घर बुला सकते हो। ये सुनकर तो विजय की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसे ऐसा लगा जैसे बहुत वक्त बाद उसने खुलकर सांस ली हो। रेखा ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो भी तंग आ चुकी थी। कई बार उसका भी मन करता था कि वो भी अपने दोस्तों की तरह खुलकर जिए। बात बात में इतनी रोका टोकी से दोनों ही बच्चों का घर में दम घुटने लगा था, इसलिए मम्मी पापा के ना होने का उन्होंने फायदा उठाया और अपने अपने दोस्तों को घर में बुला लिया। दोनों ने ही खूब इंजॉय किया। जब सब दोस्त चले गए तब विजय और रेखा एक दूसरे को खुश देखकर खुश हुए। विजय कहने लगा कि काश हमारे मम्मी पापा भी दूसरों के मम्मी पापा की तरह हमें थोड़ा खुलकर जीने देते, हम पर थोड़ा भरोसा करते और हमें समझते। इतनी रोका टोकी से अब तो दम घुटने लगा है। रेखा भी हामी भरते हुए बोली, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो भैया, अगर मम्मी पापा हमें थोड़ी छूट देते तो हमें इस तरह छुप छुप कर हमारे दोस्तों को नहीं बुलाना पड़ता और मन मार कर नहीं जीना पड़ता। दोनों भाई बहन एक दूसरे को समझ रहे थे, क्योंकि दोनों ही एक ही दर्द से गुजर रहे थे।
माना कि हर माँ बाप अपने बच्चों का अच्छा ही सोचते हैं, लेकिन परवरिश में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। बंदिश के साथ साथ थोड़ी छूट देना भी ठीक है। अगर माँ बाप हर बात के लिए बच्चों को रोकेंगे टोकेंगे तो वो छुप छुप कर अपने मन की इच्छा पूरी करेंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर। ऐसे में उनके गलत रास्ते पर जाने के आसार बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इससे अच्छा है कि माँ बाप बच्चों को थोड़ी छूट दें ताकि वो उन्हें सच बताकर अपनी जायज़ इच्छाएं पूरी करें।